गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 1 एमसीएस 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। इस ब्लॉक का नाम कंट्रोल स्टेटमेंट एरे एंड फंक्शन है। इस यूनिट में हम देखेंगे डिस्कशन एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले बोलेंगे प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कोई सभी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना और एक्स्ट्रा बिग डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन करें हमें हमारे ग्रुप में। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्लो कंट्रोल इन सी, इफ और एल्स का स्टेटमेंट हम इस वीडियो में देखेंगे। इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न अबाउट द इफ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इफ और एल्स एंड नेक्स्ट इफ एल्स इन प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सी इफ स्टेटमेंट इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि इफ सी इफ टेस्ट एक्सप्रेशन एंड कोड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रन करके देखेंगे कि इसको कैसे ये रन करता है। ठीक है, उसके बाद हम आप लोग को और एक्स्ट्रा आगे जो भी हमारा ट्यूटोरियल है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक हेडर फाइल यानी प्रीप्रोसेसर लिया है और फिर मैंने मेन फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद मैंने इंट लेके डेटा टाइप्स लेके वेरिएबल को इंक्लूड करा है और मैंने एक वेरिएबल ए वेरिएबल जो है उसका वैल्यू 20 दिया है और बी का 43 और इफ स्टेटमेंट का यूज किया है मैंने कि इफ अगर ए से छोटा है बी तो ए इज अ ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं रन करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं रन एग्जीक्यूट करके क्या हमारा रिजल्ट शो करता है। देख सकते हैं यहाँ पे नो एरर्स फाउंड इट हियर। लुक एट दैट, ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ए बड़ा है तो वहाँ बड़ा शो होगा, छोटा है छोटा शो होगा। ठीक है, तो चलते अपने हम चलते अपने स्क्रीन पे इफ का यूज कैसे करना हम लोगों ने देखा और चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ इफ स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ओके, तो द इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। इफ द स्टेटमेंट इज इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इन इवैल्यूएट टू ट्रू स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी इफ आर एग्जीक्यूट। अगर हमारा इस इफ का स्टेटमेंट जो भी है वो बॉडी एग्जीक्यूट करता है तो ही वो अगर ट्रू होता है तभी वो बॉडी का जो भी हमारा जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो कोड है ये अगर ये ट्रू होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगर लुक एट दैट इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स स्टेटमेंट इज द बॉडी ऑफ इफ आर नॉट एग्जीक्यूट। अगर इस बॉडी का जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा वो फॉल्स होता है तो बॉडी का जो भी एक्सप्रेशन होगा कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और नन जीरो होगा तब भी वो फॉल्स ट्रू होगा। तो देखो मैंने ट्रू का भी स्टेटमेंट का भी लुक दिया है और फॉल्स का भी कि इफ टेस्ट 5 and int test 5 and text is smaller than 10 so code execute करते हैं तो execute हो जाता है और ये false हो जाता है क्योंकि 5 बड़ा हो जा रहा है 10 से। That's why. Let's solve some examples. Look at that. कि मैंने एक थोड़ा सा rough program लिया जो कि exam में आता है। मैंने इसमें लिया है ना कि डिस्प्ले करना है निगेटिव नंबर। ठीक है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करो और चेक करो कि आपका नंबर बताता है या नहीं। अब मैं खुद करती हूँ। चलते हैं अपने मैं तब तक ये हटाती हूँ। लुक, मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा वो जो मैंने वहाँ पे शो करा था। यहाँ आपको बताएगा कि अगर आप नेगेटिव नंबर शो करते हो तो आपको प्रिंट नेगेटिव नंबर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कर दैट।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नो एरर नो वार्निंग दे रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारा आउटपुट कुछ इस फॉर्म में देगा। बोल रहा है कि इंटर द इंटीजर, सो मैं 8 इंटीजर इनपुट करती हूँ। सो इफ स्टेटमेंट इज, ये हम मैंने प्रिंट करवाया था डिस्प्ले के लिए कि द इफ स्टेटमेंट इज इजी। ओके सो चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपको आउटपुट शो करवाया था, सेम एज इट इज आप वैसे अपने डेव सी प्लस प्लस पे करोगे तो सेम एज इट इज ऐसे ही आएगा। मैंने माइनस करके भी देखा और पॉजिटिव इंटीजर लेके भी देखा। तो चलते हैं इफ और एल्स के स्टेटमेंट में। इफ और एल्स के स्टेटमेंट में मैं कुछ ऐसा कहूँगी कि अगर कुछ ऐसा एग्जांपल लेती हूँ कि आप अपने हमारे घर पे मतलब बारिश हो रही है घर के बाहर, और मम्मा ने कहा कि अगर एक घंटे में बारिश रुक जाती है तो आप बाहर जाओगे खेलने, अगर नहीं रुकती है तो नहीं जाओगे। सेम एज इट इज ये प्रोग्राम इसी तरीके से इसमें वर्क करता है। इफ स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से ही वर्क होगा, और एल्स में भी सेम एज इट इज वही है कि इफ में कोई प्रोग्राम कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेशन कोई को लोड किया जाता है एंड उसको प्रिंट के लिए कोड एक रन करवाया जाता है। अगर ये कोड ट्रू होता है तो वो रन करेगा डिस्प्ले पे, अदरवाइज आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा, नहीं अगर एल्स होगा तो एल्स को प्रिंट करेगा। सो चलते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ इफ स्टेटमेंट इज वर्क, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू। ओके statement inside the body of if are executed and statement inside body of if else are escaped from execution. अगर आपका if are if वाला part true होता है execute करता है तो else वाले को skip कर देता है, ठीक है, and अगर आपका वो false हो कर देगा, otherwise आपका else execute होता है statement inside body else are executed तो हमारा if is if का जो स्टेटमेंट होता है वो स्किप कर देगा। लुक एट दैट कि एग्जीक्यूशन इज ट्रू, टेस्ट इन टेस्ट इज 5 एंड इफ टेस्ट इज 10 एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की बॉडी एल्स, ठीक है, और ये सेम इज बताता है कि अगर आप ट्रू करते हो 5 से, अगर 10 5 से छोटा है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर int 5 यानी 5 जो है 10 से बड़ा है तो ये फॉल्स होगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको कुछ ट्राई करते हैं ऐसे प्रोग्राम को, ठीक है, ट्राई करते हैं, क्लीन करते हैं पहले इसको, प्रोग्राम को करते हैं। ये मैंने एक प्रोग्राम कोड करा है, जैसे कि हेडर फाइल यूज करा मैंने, इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम हमें बताएगा कि कौन सा इंटीजर ऑड है और कौन सा इंटीजर इवन है। सो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, जैसे कि इंटर आर इंटीजर यूजर से इनपुट आउटपुट प्रिंट लेना है। सो स्कैनफ एंड प्लीज लुक एट दैट, सो एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है, कंपाइल एंड रन, लुक नो एरर नो वार्निंग्स। सो देखिए मैंने इंटीजर ले लिया है और इंटीजर मैंने ले रखा है 4, तो ये इवन प्रिंट करेगा। अगर मैं ऑड लेती हूँ 5, अगर लू मैं तो ये ऑड प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इफ और एल्स को अभी ट्राई करना एंड देन मैं ये इफ और एल्स का एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल था, इसको ट्राई करना घर पे एंड देन मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इफ एल्स का प्रयोग बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, और बाकी इसके PDF वगैरह अदर सब्जेक्ट के PDF या नोट्स क्वेश्चन पेपर्स के लिए हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें।
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने